हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। आज बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ बेसिक एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे अपनी एनसीईआरटी के। देखो, मैंने आपको दो एग्जांपल्स लिख के दिए हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटी तो आप समझ ही चुके होंगे कि दोनों एग्जैक्टली सेम फंक्शंस हैं जिनको आपको शो करना है, मतलब सॉल्व करना है। वो दोनों एग्जैक्टली सेम फंक्शंस हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है ये एक्स की डोमेन का। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक्स की डोमेन का। अब पहली बात, अब इनमें शो क्या करना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको इसे प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स के इक्वल, और इसको प्रूफ करना है ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल। ये जो यहां पर डोमेन है ना, इस डोमेन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। रीजन, इस डोमेन में नेगेटिव पार्ट इंक्लूड हो रहा है, लेकिन इसमें पॉजिटिव तक ही डोमेन अपनी वैलिड है, नेगेटिव पार्ट नहीं जा रहा। तो जब भी डोमेन में नेगेटिव पार्ट से पॉजिटिव पार्ट तक डोमेन जा रही हो, तो आप हमेशा ध्यान रखना, आप कभी भी ये अजम्पशन नहीं करेंगे, ये कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? क्योंकि कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है, कॉस इनवर्स की जो डोमेन होती है वो होती है माइनस वन, मतलब प्रिंसिपल रेंज जो होती है, डोमेन तो सेम होती है माइनस वन से प्लस वन, लेकिन जब प्रिंसिपल रेंज की बात करी जाएगी तो वो क्या होती है? वो होती है जीरो से पाई। इसमें कोई नेगेटिव पार्ट इंक्लूडेड नहीं है। और अगर अपन यहां अजम्पशन करते हैं साइन थीटा का, ये बिल्कुल करेक्ट है। डोमेन तो इसकी भी नेगेटिव से पॉजिटिव है, लेकिन जब आप इसकी रेंज की बात करोगे साइन इनवर्स के रेंज की, तो वो भी नेगेटिव से पॉजिटिव है। ये इनमें डिफरेंस है, इसलिए ये वाला अजम्पशन अपने इस केस में वैलिड है, और ये वाला अजम्पशन डेट इज कॉस थीटा वाला, ये नेक्स्ट केस में वैलिड होगा। क्लियर आया इतना समझ में? कॉपी करो। अब अपन क्या करने वाले हैं? फर्स्ट पार्ट में अजम्पशन करने वाले हैं लेट एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, करे अजम्पशन। उसके दूसरे वाले में एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। चाहो तो पॉज करके आप अभी खुद ट्राई कर लो। साइन थीटा अजम्पशन करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ट्वाइस ऑफ साइन थीटा रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। ये होता है कॉस स्क्वेयर थीटा। क्या होता है ये? कॉस स्क्वेयर थीटा। तो अगर रूट के अंदर कॉस स्क्वेयर है तो उससे क्या होगा? उससे कॉस और स्क्वेयर, मतलब स्क्वेयर और रूट दोनों हट जाएंगे, तो ये हो गया टू साइन थीटा कॉस थीटा। ये आइडेंटिटी है अपने क्लास इलेवेंथ की। इस आइडेंटिटी का आंसर आता है साइन टू थीटा। टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन टू थीटा। अब बाहर है साइन इनवर्स और अंदर है साइन, ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स फंक्शंस हैं, अपन इनको इग्नोर कर देंगे। वैल्यू आ गई सिर्फ टू थीटा। वैल्यू क्या आ गई? सिर्फ टू थीटा। यहां पे आओ, इस अजम्पशन से थीटा की वैल्यू क्या निकलती है? साइन इनवर्स एक्स। इसको कर दो यहां अप्लाई, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू आर एच एस, विच इज इक्वल टू आर एच एस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाले में अजम्पशन करना है एक्स की जगह कॉस थीटा। एक्स की जगह क्या अज्यूम करना है? कॉस थीटा। तो अगर आप x को cos थीटा अज्यूम करके अप्लाई करते हो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 cos थीटा रूट 1 माइनस cos स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वेयर क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वेयर होता है रूट के अंदर साइन स्क्वेयर थीटा। स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर दोनों हट जाएंगे, सिर्फ क्या रह जाएगा? 2 cos थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, यही रह जाएगा। ये पूरी टर्म और ये पूरी टर्म, ये क्या सिमिलर है क्या? यस,
तो इसकी आइडेंटिटी भी क्या बन जाएगी, साइन टू थीटा। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट फंक्शंस हैं, दोनों एक दूसरे को हटा देंगे, थीटा की वैल्यू यहां से निकालो कॉस इनवर्स एक्स, और इस वैल्यू को यहां पे क्या कर दो अप्लाई, तो टू थीटा की जगह कॉस इनवर्स एक्स विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो अपन ने दोनों क्वेश्चंस में अपने अजम्पशन को चेंज किया है, क्यों किया है, दोनों में डोमेन का डिफरेंस है इस वजह से चेंज किया है। ठीक है, कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो करना है कि इन दोनों टैन इनवर्स की टर्म्स का टोटल इसके इक्वल आएगा, क्या करें अब ऐसे केस में। ऐसे केस में आप इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दो, टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ये होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई। ये आइडेंटिटी लगा देते हैं अपन एलएचएस में, तो स्टार्ट करते हैं एलएचएस। टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई। 2 और 11 का एलसीएम आता है 22, तो 22 से एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा टैन इनवर्स 11 इधर जाएगा 2 इधर जाएगा अपॉन में 22। डिनोमिनेटर में 2 11 जा 22, 22 इधर चले जाएगा माइनस 2 अपॉन 22। ठीक है भाई, 22 से 22 अपना कट गया, तो ऊपर आ गया 15 और नीचे आ गया है 20। अब आप इनको क्या करोगे, 5 से कैंसिल आउट कर दोगे, तो 5 3 जा 15 और 5 4 जा 20, सो देयरफॉर ये किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के। इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस करना है इन सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि ये जो इतनी बड़ी टर्म है इसको जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा करके बताना है। अब पहली बात, अंदर पहले से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी कि आपको कुछ अजम्पशन नहीं करना है, अपने को डायरेक्ट आइडेंटिटी का एप्लीकेशन करना है, डायरेक्टली आइडेंटिटी ही अप्लाई करनी है। तो अब इसके लिए क्या करें, अपन एक काम करते हैं, अपन यहां पे एक्स की जगह टू थीटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स कॉस टू थीटा अपॉन में वन माइनस साइन टू थीटा। अब इनकी आइडेंटिटीज को यूज करते हैं, कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और साइन टू थीटा क्या होता है, टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर यहां तक। अब ये जो वन है, मैं इस वन में भी आइडेंटिटी लगा दूंगा, और न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और डिनोमिनेटर में मैं वन की जगह लिख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का टू साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर यहां तक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। नेक्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर को कर लो कॉपी, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और डिनोमिनेटर का क्या करें, डिनोमिनेटर में अपन लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी कि ये हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या होगा, अब मुझे कुछ टर्म्स कैंसिल होती हुई दिख रही है, कौन सी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब ये चीज दो बार है, तो मैं एक बार तो कैंसिल आउट कर सकता हूं ना, तो अब मेरा बचेगा क्या, मेरा बचा टैन इनवर्स कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, यही बचा। कॉस थीटा न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेते हैं कॉमन,
अब वैसे इस टाइप का क्वेश्चन, यहां से जो क्वेश्चन चालू हो रहा है अब, वो वर्किंग आप एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर चुके हो, तो आप चाहो और आपको अगर वो याद है, रिवाइज किया है, तो क्या करो, पॉज करो और एक बार खुद ट्राई कर लो। कॉस अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन निकाल लेंगे। ये न्यूमरेटर से कॉमन निकाल लिया, अब इसको सेम डिनोमिनेटर से भी कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। ये कॉस से कॉस कट गया, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस, दोनों जगह क्या बन जाएगा, टैन। तो वन प्लस टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा। अब क्या करेंगे, अब वही वन वाली आइडेंटिटी यहां पे इनटू में वन लिख देंगे, और अब दो जगह वन को बदल देंगे। कौन सी दो जगह, एक और ये दो, इन दोनों वन को क्या लिख देंगे, टैन पाई बाय फोर। टैन पाई बाय फोर प्लस का टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन पाई बाय फोर मल्टीप्लाई बाय टैन थीटा। टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी, क्या होता है ये होता है टैन ऑफ ए माइनस बी, टैन ऑफ ए माइनस टैन ए प्लस टैन बी, टैन ऑफ ए प्लस बी, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन वन माइनस टैन ए टैन बी टैन ए प्लस बी। टैन इनवर्स और टैन हट जाएंगे, ये मेरा आंसर। क्या ये फाइनल आंसर है, यहां छोड़ना चाहिए क्या आंसर, नहीं। रीजन अजम्पशन पे आओ, अजम्पशन आपने किया है एक्स इक्वल टू टू थीटा, आपका गिवन क्वेश्चन एक्स की टर्म्स में है, तो आंसर एक्स की टर्म्स में ही आएगा, तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे, एक्स अपॉन टू। ये है अपना फाइनल आंसर, क्लियर आ गया समझ में, इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, यानी कि इसके अंदर की टर्म जितनी सॉल्व हो सकती है उतनी कर दो। तो यहां अंदर जो टर्म है वो एल्जेब्रिक टर्म है एक्स की टर्म्स में, तो आप इसकी जगह जरूर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अज्यूम करोगे, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। उसके लिए आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, क्या होती है भाई आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, सेक स्क्वायर थीटा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यहां पे माइनस का वन है, तो यहां पे तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि माइनस वन क्रिएट हो पाएगा। अगर मैं इस वन को, इस वाले वन को भेज देता हूं लेफ्ट में, तो बन जाएगा ना माइनस का वन, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन किसके इक्वल आएगा, टैन स्क्वायर थीटा के। दोबारा सुनो, ये वन मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ये टर्म मुझे काफी हद तक सिमिलर सी दिख रही है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग अजम्पशन कर लेता हूं, लेट एक्स इज इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक है। अप्लाई करें तो ये हो जाएगा कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का वन, यही आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्या होता है ये होता है रूट में टैन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर और रूट दोनों हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टैन थीटा। वन बाय टैन क्या होता है, ये होता है कॉट, कॉट इनवर्स और कॉट दोनों हट जाएंगे, आंसर आ गया थीटा। अब आओ अजम्पशन पे, इससे थीटा की वैल्यू क्या निकलती है, सेक इनवर्स एक्स। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वैल्यू, इतने बड़े फंक्शन को आपने इतना छोटा बना दिया, इजी है। ये क्वेश्चन आप इस थर्ड आइडेंटिटी से भी ट्राई कर सकते हो, इसमें भी आप वन को दूसरी तरफ ले जाओगे तो माइनस का वन बन जाएगा, अजम्पशन हो जाएगा एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा, ठीक है। तो पॉज करो, इसे कॉपी करो, नेक्स्ट वाला भी ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूफ करना है कि ये एलएचएस इस आरएचएस के इक्वल है,
तो स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली दिख रहा है कि यार अजम्पशन ही करना पड़ेगा। बस सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों तरफ टैन इनवर्स है। इसके दो तरीके हैं। पहला, आप अजम्पशन करो एक्स की जगह टैन थीटा। दूसरा तरीका, टैन इनवर्स ए प्लस टैन इनवर्स बी की डायरेक्ट आइडेंटिटी लगा दो, तो आपका ये डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा। दो तरीके हैं। तो अगर इन केस मैं अजम्पशन से इसे ट्राई करूं, तो मैं यहां लिखूंगा लेट एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा, और पहले स्टार्ट करूंगा एलएचएस, टैन इनवर्स टैन थीटा, टैन इनवर्स टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वेयर थीटा। टैन इनवर्स टैन थीटा ये हो जाएगा थीटा। ये पूरी आइडेंटिटी है अपनी क्लास इलेवेंथ की टैन टू थीटा के इक्वल। क्या है ये अपनी आइडेंटिटी है जो आपने इलेवेंथ क्लास में पढ़ी है। तो इतनी बड़ी टर्म को डायरेक्टली मैंने ये लिख दिया। अब ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स है, तो टैन इनवर्स और टैन हट जाएगा, आंसर आ गया थ्री थीटा। आंसर क्या आ गया? थ्री थीटा। अब यही अजम्पशन मैं कर लेता हूं किसमें? आरएचएस में। सेम अजम्पशन। क्या है मेरा अजम्पशन? लेट एक्स इक्वल्स टू टैन थीटा। करें अप्लाई, टैन इनवर्स थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वेयर थीटा। कर दिया अजम्पशन। ये पूरी टर्म कन्वर्ट हो जाएगी टैन थ्री थीटा में। क्लियर हो गए कन्वर्ट? ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं, हट जाएंगे, आंसर आ गया थ्री थीटा, दोनों इक्वल। सो देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये दोनों इक्वल क्यों मान रहे हैं अपन? क्योंकि अपन ने दोनों तरफ सेम अजम्पशन किया है। ये ध्यान रखना, दोनों तरफ क्या किया है? सेम अजम्पशन किया है। अगर ये अजम्पशन अलग अलग होता तो आप यहां इक्वल नहीं लिख सकते हो। ये सबसे इजी तरीका है, सबसे कम मेहनत होगी। दो स्टेप्स के बाद इसमें सॉल्व हो गया, दो स्टेप्स में इसमें सॉल्व हो गया, दो दो स्टेप में काम खत्म। लेकिन ये इक्वल कब माने जा सकते हैं? जब आप दोनों तरफ सेम अजम्पशन करो। इधर से थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स एक्स पुट होगी और इधर से भी थीटा की वैल्यू टैन इनवर्स एक्स, इसलिए दोनों इक्वल है। क्लियर? इजी है, कॉपी करो। नेक्स्ट, ये तो बहुत ज्यादा इजी एग्जांपल्स है दोनों ही। आप चाहो तो अभी वीडियो पॉज करके खुद ही कर लो। इतना सा लॉजिक तो यार अब सबका क्लियर हो चुका है इस चैप्टर में, क्योंकि अपन ने एक एक एग्जांपल एक एक क्वेश्चन कवर करा है। देखो क्या करना है इसमें, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस हैं। जो वैल्यू साइंस सेक 60 पे आती है वो वैल्यू कोसेक 30 पे आती है। 60 और 30 का टोटल 90, यानी कि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। इनकी आइडेंटिटी तो डायरेक्ट होती है पाई बाय टू, तो इनकी जगह पाई बाय टू लिख दिया। क्या है ये इनकी आइडेंटिटी है। तो कॉस पाई बाय टू क्या होता है? जीरो। अब बताओ इससे इजी क्या होगा? माइनस आ गया, माइनस का ट्रीटमेंट एस टी सी सी एस सी। इनमें जो माइनस है वो बाहर आ जाता है और इनमें माइनस हटा के पाए लगाना पड़ता है। ये है सी एस सी की कैटेगरी, है ना? क्या क्या आता है सी एस सी में? अपने कॉस सेक और कॉट। तो ये कॉट है, तो यहां पे आइडेंटिटी लग जाएगी कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाए माइनस कॉट इनवर्स एक्स। करो इसे अप्लाई, तो ये हो जाएगा पाए माइनस कॉट इनवर्स वन बाय रूट थ्री। ये नेगेटिव से क्या बन गया? पॉजिटिव। क्या होती है कॉट की एंगल? वन बाय रूट थ्री पे। कॉट कौन से एंगल पे वन बाय रूट थ्री देता है? ये देता है अपने को किस पे? पाए बाय थ्री पे। सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ गया टू पाए बाय थ्री, जो बिलोंग करता है किसको? कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज को। चेक करके देख लेना, बिलोंग करता है। ठीक है, आ गया समझ में? तो इस चैप्टर के अपन ने जो सेकंड एक्सरसाइज और फर्स्ट एक्सरसाइज है उनके एग्जांपल्स भी कवर अप कर दिए।
कोई भी डाउट है आप वीडियो दोबारा देख लो, और अगर एग्जाम्पल्स खुद ने ट्राई करे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हनु सर फ्रॉम लक्ष्य इंस्टीट्यूट। आज अपन अपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स। फाइंड करनी है इस ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की वैल्यू। बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन है। नॉर्मल आइडेंटिटी होती है कि साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, तो ये एक दूसरे को रिमूव कर देंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो आपका आंसर है वो क्या आना चाहिए, वो आएगा आपका 3π/5। ठीक है, अपन ने आइडेंटिटी ये पढ़ी है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसका आंसर होता है एक्स, तो आंसर आया 3π/5, यानी कि 3 × 36 विच इज 108 degree विच इज ग्रेटर देन 90 degree। मतलब अगर मैंने मेरा आंसर डायरेक्टली 3π/5 लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। इसका रीजन क्या है गलत होने का, साइन इनवर्स की प्रिंसिपल डोमेन -π/2 से +π/2 होती है, यानी कि -90 से मैक्सिमम +90। आपका जो आंसर आया 3π/5 वो 90 से बड़ा होता है, यानी कि π/2 से बड़ा होता है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी करेक्ट वर्किंग है, सबसे पहले आप ये जो एंगल है 3π/5 इसको सिंप्लीफाई करो। कैसे करेंगे भाई सिंप्लीफाई, साइन इनवर्स साइन पाए -2π/5, ये मैंने 3π/5 की वैल्यू लिख दी। ठीक है भाई, अब ये वैल्यू कैसे लिखी उसका भी स्टेप समझो। 3π को मैं ये लिख सकता हूं 5π - 2π, 3π की जगह अपॉन में क्या है 5, इस 5 को अलग अलग कर दो, तो ये हो गया साइन इनवर्स साइन पाए -2π/5। अब अपन एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं। आइडेंटिटी होती है साइन पाए -θ इज साइन θ। अगर मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5। अब अपन एक और आइडेंटिटी का यूज करते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, ये है एक्स के इक्वल, तो इस हिसाब से जो आपका आंसर है वो आना चाहिए 2π/5। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है बिकॉज ये -90 से +90 के बीच में लाई करता है। 2π/5 की वैल्यू होती है 2 × 36 विच इज 2 × 36 विच इज 72 degree, सो ऑब्वियसली 72 इज लेस देन 90, तो ये इसकी करेक्ट वर्किंग है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो साइन इनवर्स हैं और एक टर्म आपकी कॉस इनवर्स में है। इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, या तो आप इन सबको टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप बिना टैन इनवर्स के सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अगर मैं बिना टैन इनवर्स के सॉल्व करता हूं तो मैं यहां लिखूंगा लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू ए। मैंने इसकी वैल्यू क्या मान ली ए, इससे मेरे पास साइन ए की वैल्यू आ गई 3/5। अब मैं यहां पे कॉस ए निकालूंगा, कॉस ए की वैल्यू इस आइडेंटिटी से निकाली जाएगी, तो ये कॉस ए निकलेगा अपना 2/5। सिमिलरली मैं इस दूसरी टर्म को लिख दूंगा साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू बी, इससे मेरे पास साइन बी की वैल्यू आ गई 8/17। अब मैं कॉस बी की वैल्यू निकालूंगा इसी सेम आइडेंटिटी से, 1 − sin²b। तो अगर मैं साइन बी की वैल्यू पुट करके स्क्वायर करके एलसीएम वगैरह लूंगा तो उससे मेरे पास कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी विच इज 15/17। अब आपके पास ओवरऑल चार चीजें आ गई, साइन ए कॉस ए साइन बी और कॉस बी। क्लियर यहां तक। अब आपको आरएचएस पे पहुंचना है, एलएचएस को और आरएचएस को बराबर लाना है,
RHS में जो फंक्शन है वो है कॉस इनवर्स, LHS में जो दो फंक्शंस है उनमें है माइनस का साइन, कॉस और माइनस ये दो चीजें मुझे मिलके ये बताएगी कि अब मेरे क्वेश्चन में इस आइडेंटिटी की रिक्वायरमेंट है, कॉस ए माइनस बी विच इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। मैंने यहां आइडेंटिटी कॉस ए माइनस बी की क्यों लगाई, कॉस इसलिए क्योंकि यहां कॉस इनवर्स है और माइनस इसलिए क्योंकि LHS में माइनस है। अब मैं यहां क्या करूंगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी इन सब की वैल्यूज को अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो कॉस ए क्या है भाई, अपने कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए है 2/5, कॉस बी है 15/17, साइन ए है अपना 3/5 और साइन बी है 8/17, ठीक है भाई। अब अपन इसको फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, अब इसका अपन एलसीएम लेंगे और उन्हें ऐड करेंगे। 5 × 17 होता है 85, 5 × 17 85, सो 85 इज द कॉमन एलसीएम। 4 × 15 इज 60, 3 × 8 इज 24, तो ये बन गया 84/85, बन गया 84/85। ये किसकी वैल्यू है, कॉस ए माइनस बी की वैल्यू है। ये कॉस जब लेफ्ट से राइट में जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा। तो इसका नेक्स्ट स्टेप हुआ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85। अब ए और बी की वैल्यूज पे आते हैं, ये मेरी ए की वैल्यू है और ये मेरी बी की वैल्यू है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 मैं यहां पे ए और बी की वैल्यू को रिप्लेस करता हूं। ए की जगह मैं लिख दूंगा साइन इनवर्स 3/5 और बी की जगह मैं लिख दूंगा, यहां से बी की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 8/17। ये मैंने ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया और इक्वल टू में ये मेरा क्या आ गया, RHS कॉस इनवर्स 84/85। सो विदाउट यूजिंग टैन इनवर्स अपन ने LHS और RHS दोनों को इक्वेट कर दिया, पहले को लिया A, दूसरे को लिया B, इससे वैल्यू आई साइन A की, साइन A से निकाला कॉस A, फिर इसको B लेने से वैल्यू आई साइन B की और उससे निकाल दिया कॉस B, फिर अपन ने देखा यहां कॉस है और यहां माइनस है तो आइडेंटिटी लगाई कॉस ए माइनस बी की, आइडेंटिटी को पहले मेंशन किया फिर सारी वैल्यूज को अप्लाई किया, एलसीएम लिया ऐड करा, ये कॉस ए माइनस बी की वैल्यू आ गई। इसका कॉस राइट में जाएगा तो कॉस इनवर्स बन जाएगा, ए और बी की वैल्यू अपन ने अपने अजम्पशन से अप्लाई कर दी। ये मेरा अजम्पशन ए का है और ये बी का है, तो यहां से ए और बी वापस पुट कर दिए, कॉपी करो। नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेकिन इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको इन तीन चीजों का जो टोटल है वो पाए शो करना है। पाए का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है ना। जब आप क्वाड्रेंट्स बनाते हो ट्रिग्नोमेट्री में तो यहां 0, यहां पाए बाय 2, यहां पाए 3π/2 और ये 2π, तो ये होती है पाए की वैल्यू 180 डिग्री, ठीक है। तो शो करना है कि ये तीनों चीजें का टोटल पाए आएगा, तो अपन एक काम करेंगे इन दोनों को टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो आपका साइन है, साइन वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो इस हिसाब से आपका परपेंडिकुलर हुआ 12 और हाइपोटेन्यूस हुआ 13। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो मेरे बेस की वैल्यू आ जाएगी, तो बेस की जो वैल्यू है वो आ गई मेरी 5। क्लियर यहां तक? तो अब मैं इस साइन इनवर्स को टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूंगा। टैन इनवर्स परपेंडिकुलर वो तो एज इट इज आ गया और बेस मैंने निकाल ही लिया। सिमिलरली अब जो कॉस इनवर्स है मेरा, कॉस क्या होता है भाई, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस है अपना 4, हाइपोटेन्यूस है अपना 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अगर अपन तो अपने परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3। तो अपन इस कॉस इनवर्स को
टैन इनवर्स बना देंगे, ठीक है। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थर्ड, टैन इनवर्स की वैल्यू को अपन एज इट इज कॉपी कर लेंगे। अब आप एट अ टाइम तीन में से दो में ही आइडेंटिटी लगा सकते हो, तो मैं यहां पे फर्स्ट टू टैन इनवर्स में आइडेंटिटी यूज कर रहा हूं। टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ये होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो अब आप आइडेंटिटी लगाओ, तो ये बन गया टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। क्लियर आ गया इतना समझ में? अब अपन इस न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, तो ये आएगा टैन इनवर्स 48 प्लस 15 अपॉन 20, ठीक है, होल अपॉन 5 4 20 माइनस 36 अपॉन 20। क्लियर? इन दो टैन इनवर्स को मैंने आपस में जोड़ दिया। ये वाला टैन इनवर्स मैं एज इट इज कॉपी कर लूंगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है। यहां तक इजी है तो बहुत। अब नेक्स्ट स्टेप, ये 20 से ये 20 अपना कैंसिल आउट हो गया, तो अब जो न्यूमरेटर है आपका वो है 63, डिनोमिनेटर आया माइनस का 16, टैन इनवर्स 63 अपॉन माइनस 16 प्लस आगे टैन इनवर्स 63 अपॉन 16। क्लियर? ये मेरी दो टैन इनवर्स की टर्म्स आ गई। अब देखो, अगर मैं टैन इनवर्स के लॉजिक से आगे चलूंगा ना क्वेश्चन में, तो टैन इनवर्स की आइडेंटिटी होती है टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टैन इनवर्स एक्स, तो उस अकॉर्डिंग ये माइनस बाहर आ जाएगा और मेरी दोनों टैन इनवर्स की जो वैल्यूज है वो नेगेटिव पॉजिटिव होने से कट के जीरो हो जाएगी। क्लियर यहां तक? इतनी बात समझ में आई? लेकिन मुझे जीरो प्रूव नहीं करना, तो मैं अब यहां पे आगे का क्वेश्चन टैन इनवर्स में नहीं चलाऊंगा, मुझे इसको टैन की जगह कॉट बनाना पड़ेगा। मैं इसको कॉट इनवर्स करके लिख दूंगा माइनस 16 अपॉन 63 और इसको लिख दूंगा कॉट इनवर्स 16 अपॉन 63। ब्रैकेट में जो वैल्यूज लिखी है उनको रेसिप्रोकेट करके फंक्शन को बदल दूंगा, उससे मुझे एक फायदा मिलेगा। किस चीज का? आइडेंटिटी का। कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो अब ये आइडेंटिटी मैं यहां लगाता हूं, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 16 अपॉन 63 और ये प्लस का कॉट इनवर्स अपन एज इट इज कॉपी कर लेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू कट जाएगी, ओवरऑल आंसर आ जाएगा पाई। क्लियर? तो अगर आपको जीरो प्रूफ करना हो तो टैन इनवर्स से प्रूव हो जाएगा, लेकिन अगर आपको पाई प्रूफ करना है तो कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करो और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? आरएचएस। कॉपी कर लो। नेक्स्ट 12th, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ढंग से समझना है। ये टैन इनवर्स के आगे इतनी बड़ी टर्म है, इसमें ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इंक्लूडेड है, साइन और कॉस, इसके अलावा दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स भी हैं, ए और बी। क्वेश्चन है कि आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना है, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। अब जब भी मैं टैन इनवर्स के आगे इतनी बड़ी टर्म देखूंगा तो टैन इनवर्स की बड़ी बेसिक सी आइडेंटिटी मुझे याद रखनी है, टैन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स वाई। इस आइडेंटिटी में देखो यहां पे क्या है, वन, ये आपका क्वेश्चन का पहला स्टेप बनाएगा। वन, ये जो वन है ये आपके क्वेश्चन का पहला स्टेप बना देगा। देखो यहां क्या है, बी कॉस एक्स, यहां क्या है वन, मैं चाहता हूं कि बी कॉस एक्स की जगह वन आ जाए, तो मैं यहां लिखूंगा डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय बी कॉस एक्स, सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स ए कॉस एक्स बी कॉस एक्स
माइनस बी साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स, ठीक है, बी कॉस एक्स डिवाइडेड बाय बी कॉस एक्स प्लस का ए साइन एक्स अपॉन बी कॉस एक्स, सबको डिवाइड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए, यहां आ गया वन, यहां पे ये बन जाएगा टेन, बी और बी कट गए, कॉस और कॉस कट गया, तो ये आया टेन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस का टेन एक्स अपॉन में वन प्लस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय टेन एक्स, ठीक है यहां तक। अब अगर मैं यहां अजम्पशन करूं, लेट ए अपॉन बी को मैं मान लेता हूं जैसे पी, कैपिटल पी, और टेन एक्स को मैं मान लेता हूं कैपिटल क्यू, तो मेरी ये जो टर्म है ये बन जाएगी टेन इनवर्स पी माइनस क्यू अपॉन वन प्लस पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। चेक करो देखो ये कितनी सिमिलर है। तो अब मैं क्या करूंगा, जो आइडेंटिटी मैं यूज करने वाला हूं मैं उस आइडेंटिटी को यहां पे एज इट इज मेंशन कर दूंगा, ठीक है। तो अब इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मेरा जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए टैन इनवर्स पी माइनस टैन इनवर्स क्यू। अब आप आओ पी और क्यू की वैल्यूज पे, ये वैल्यूज है, अप्लाई कर दो, टैन इनवर्स पी माइनस टैन इनवर्स क्यू, टैन इनवर्स और टैन दोनों रिमूव हो जाएंगे तो बचेगा क्या एक्स, टैन इनवर्स ए अपॉन बी माइनस एक्स, ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो जो फंक्शन इतना बड़ा था अपन ने उसको इतने छोटे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 13, इसको सॉल्व करना है, सॉल्व का मतलब होता है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, कैसे करेंगे भाई सॉल्व। अब इसके लिए देखो बहुत इजी आइडेंटिटी का यूज करते हैं, आइडेंटिटी है अपनी टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई, ये होता है टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो अब आप कंपेयर करो तो एक्स की जगह है टू एक्स और वाई की जगह है थ्री एक्स, अप्लाई करो भाई आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स अपॉन वन माइनस टू एक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री एक्स इक्वल टू में पाई बाय फोर, ये टैन इनवर्स इस साइड जाके टैन बन जाएगा, यहां आ जाएगा फाइव एक्स अपॉन वन माइनस सिक्स एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू में टैन पाई बाय फोर, टैन इनवर्स लेफ्ट से राइट में जाके टैन बन जाएगा, टैन पाई बाय फोर होता है वन, तो मैं टैन पाई बाय फोर की जगह वन लिख दूंगा, इस डिनोमिनेटर को यहां शिफ्ट कर दूंगा, ये मैंने शिफ्ट कर दिया, इन दोनों टर्म्स को मैं लेफ्ट में ले आता हूं, तो माइनस का सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ठीक है यहां तक, प्लस का फाइव एक्स ऑलरेडी है और वन हो जाएगा माइनस का, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अपन इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, सिक्स एक्स को कॉमन लेंगे, माइनस का वन कॉमन लेंगे, सिक्स एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन जीरो, एक बार x की वैल्यू निकली वन अपॉन सिक्स और एक बार x की वैल्यू निकली माइनस का वन। अब जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यूज करेक्ट हो, तो आप एक वैल्यू को रिजेक्ट करोगे। तो अब मैं केस लेता हूं जैसे x इक्वल्स टू माइनस वन, हो सकता है ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाए, अपन इस माइनस वन को इस LHS में अप्लाई करते हैं, तो ये आएगा tan इनवर्स माइनस टू और tan इनवर्स माइनस थ्री, ठीक है, यानी कि आपकी पूरी LHS की जो टर्म है वो आ गई नेगेटिव, tan इनवर्स के अंदर का माइनस बाहर आ जाता है, तो इन दोनों का माइनस जो अंदर है वो बाहर आ जाएगा और अपन उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये वैल्यू पूरी क्या आ गई नेगेटिव, और जो आपका RHS है RHS वो क्या है पाई बाय फोर, यानी कि पॉजिटिव, कभी भी कोई भी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती, तो
तो अपन यहां लिखेंगे सिंस LHS इज नेगेटिव एंड RHS इज पॉजिटिव, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. इट इंप्लाइज X इज नॉट इक्वल टू माइनस वन. सो देयरफॉर फाइनली जो हमारा आंसर है वो क्या निकलता है, X इक्वल्स टू 1/6. कॉपी करो. अब आज की क्लास में अपन ने सारे एग्जाम्पल्स मिसलेनियस एक्सरसाइज के सॉल्व किए. आप इनको प्रैक्टिस करो, कोई डाउट है तो हमें इन्फॉर्म करो. नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे.